हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इफ सी ओ पी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। शेडेड रीजन हमें कैलकुलेट करना है, तो काफी सिंपल है। पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 22/7। और रेडियस, स्क्वायर का साइड 7 है तो ये लेंथ ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये लेंथ ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जो क्वाड्रेंट का रेडियस है, रेडियस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। 7 का स्क्वायर ये हो गया 49 माइनस 11 7 जा 77 बाई 2। तो दो ऑप्शन है, या तो यहाँ डिवाइड करके माइनस कर ले या एलसीएम ले ले। तो 49 2 जाइए हो जाएगा 98 माइनस 77 बाई 2। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो बस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना था, ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।